So hi friends, good evening, welcome back to my channel, welcome to another vlog. तो सुबह तो आज है संडे और सुबह तो मैं सोए लेटे गुजार ली और अभी शाम हो चुका है तो अभी जस्ट मासी मुझे चाय दे के गई है तो मैं चाय पीने वाली हूँ और फिर मुझे लग चुकी है भूख लंच के बाद. जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तब तो मैं ऑफिस से निकलने के बाद कुछ खा लेती हूँ, लेकिन आज मैं सोची कि भूख लग गया तो कुछ ऑर्डर दूँगी. तो मैंने ऑर्डर दिया है वाव चिकन बाय वाव मोमोस, एक राइस बोल जो कि है चिकन पॉपकॉर्न राइस बोल, जो मैं पहले भी एक दो बार मंगवा चुकी हूँ. तो और ये ऑर्डर मैंने दिया है मैजिक पिन ऐप से, स्विगी जोमेटो से नहीं दिया है तो मैजिक पिन से दिया है. और मैं दे चुकी हूँ आधे घंटे पहले. तो प्रॉब्लम क्या होती है कि मैजिक पिन से आपका ऑर्डर एक से डेढ़ घंटे के अंदर आता है, तो उनके ऐप में एक यही प्रॉब्लम है कि वो लोग सर्विस बहुत लेट से देते हैं, एक से डेढ़ घंटे के अंदर. तो मैं वेट कर रही हूँ कि कब मैजिक पिन मुझे मेरा खाना दे के जाएगा और फिर मैं आपके साथ मेरा रिव्यू शेयर करूँगी कि एक्चुअल में वो मतलब कितना टेस्टी है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो अभी फ़िलहाल मैं चाय पी लेती हूँ और फिर वेट करती हूँ कब मेरा ऑर्डर आएगा. और मैं एवरी सैटरडे को फूड व्लॉग डालती हूँ स्पेशली, तो अगर आप फूड व्लॉग नहीं देखे हो तो कल वाला व्लॉग देख लीजिएगा. तो वो सैटरडे स्पेशल व्लॉग फूड व्लॉग होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, तो देख के बताइएगा कैसा लगा. तो वेट करती हूँ और जब खाना आता है तो आपको दिखाती हूँ. अभी मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ क्योंकि भैया का कॉल आ गया है, वो आ चुके हैं मेरा ऑर्डर लेके. एक घंटा वेट करना पड़ा मुझे, मैंने बोला ही है कि मैजिक पिन में बहुत लेट होता है ऑर्डर आने में. तो चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से ऑर्डर लेके आती हूँ फिर रिव्यू शेयर करती हूँ. तो फाइनली आ चुका है मेरा खाना और देखते हैं कैसा है. तो ये देखिए, ये है वाव चिकन से, जो कि वाव मोमो का ही, मतलब वाव मोमो यहाँ पे एक मोमो का बहुत स्पेशल ब्रांड है कोलकाता में, तो उसी का एक और डिफरेंट ब्रांड है जो कि है वाव चिकन, जो इन्होंने न्यूली ओपन किया है. तो वहाँ से आ चुका है मेरा राइस बोल जो कि है चिकन पॉपकॉर्न राइस बोल. तो उसके पहले मैं बता देती हूँ कि आप अगर कभी भी वाव चिकन से कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, कोई भी राइस बोल, तो प्लीज़ चिकन पॉपकॉर्न राइस बोल के अलावा कुछ और मत ऑर्डर करना, क्योंकि बाकी राइस बोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बेकार है आपका, मतलब मनी वेस्ट हो जाएगा. तो चलिए इसको ओपन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ. बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है जो कि होना चाहिए. या ओपन कर लिया है मैंने, देखो देखने बहुत यम्मी लग रहा है, मैं दिखाती हूँ बैक. तो देख सकते हैं आप कि कितना सारा पॉपकॉर्न का पीस है यहाँ पे, आप काउंट कर सकते हो. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे तो ऊपर से 9 दिख रहा है, पता नहीं अंदर में है कि नहीं. और यहाँ पे थोड़ा उनका हल्का ग्रेवी टाइप का दिया हुआ है और अंदर में राइस, देखो ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और बहुत गर्म भी है. तो जल्दी से ट्राई कर लेती हूँ ये कैसा है क्या नहीं है. तो मैंने ले लिया इसे और थोड़ा सा ग्रेवी लेके राइस में, थोड़ा सा पहले ग्रेवी टेस्ट करती हूँ. ग्रेवी काफ़ी अच्छा है, मतलब मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छा, मतलब अच्छी तरह से है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छा है, नॉर्मल स्पाइसी है. और अभी थोड़ा सा चिकन टेस्ट कर लेती हूँ. चिकन मतलब पूरा क्रिस्पी नहीं है, लाइक केएफसी के चिकन की तरह नहीं है, लेकिन चिकन पॉपकॉर्न जैसा होना चाहिए एकदम वैसा है. टेस्ट काफ़ी अच्छा है. और अभी थोड़ा थोड़ा करके तीनों ट्राई करती हूँ, राइस के साथ थोड़ा मसाला और थोड़ा चिकन.
ये मुझे मैंने मैजिक पेंस ऑर्डर दिया तो मुझे आई थिंक 205 रुपीज़ पड़ा, तो 205 रुपीज़ में ये आपका पैसा वसूल है क्योंकि खाना बहुत अच्छा और इसमें आपको 9 to 10 पॉपकॉर्न के पीस मिलेंगे और काफ़ी यम्मी है शायद, और एक इंसान के लिए मतलब आपका पेट भर जाएगा। अगर आप डिनर में भी मंगवाना चाहते हो तो आप मंगवा सकते हो, काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है और टेस्टी है। आप चिकन के पीस भी बहुत ज़्यादा है, अब अगर आप कोई दूसरा राइस बोल मंगवाओगे तो उसमें सिर्फ आपको एक पीस मिलेगा, लाइक सिर्फ एक लेग पीस, तो वो आपका पैसा बर्बाद, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, उतना टेस्टी नहीं है वो सब। तो चिकन पॉपकॉर्न काफ़ी अच्छा है और बहुत, मैं आपको चिकन का पीस तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए एक चिकन का पीस मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए ये है एक चिकन का पीस, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं तोड़ती हूँ अब इसको। देखो देखो कितने अच्छे से टूट गया, देखो, और कितना अच्छा है पीस। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, आप अगर ट्राई करोगे तो मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। मैं जल्दी से ये खाना फिनिश कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। मैं नेक्स्ट जब ब्लॉग डालूँगी तब मिलते हैं, और ऑफिस की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, पर मैं कोशिश करूँगी, मैं जिस दिन मैं ब्लॉग डालूँगी, लाइक कल है मंडे, उसके बाद ट्यूसडे में, अगर कल नहीं भी डालूँगी तो मैं ट्यूसडे को डालूँगी ब्लॉग। तो बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप भी ये मंगवाना चाहते हो तो आप मैजिक पेंस से मंगवा सकते हो, अफोर्डेबल है, काफ़ी टेस्टी है। अगर आप ट्राई कर चुके हैं तो भी मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। अगर आप नहीं ट्राई किए हो और मेरा वीडियो देख के ट्राई करने वाले हो, या मेरा वीडियो देखने के बाद आप ट्राई किए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा लगा, मैं जानना चाहूँगी। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स एंड द वीडियो हियर, बाय फॉर नाउ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो या